गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहली चीज और बहुत इम्पोर्टेंट, ये आईआईटी एडवांस का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपकी आईआईटी एडवांस नीट जेई मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इवन उसमें तो वेटेज बहुत ज्यादा है इस चैप्टर का। हमारे सीबीएसई सिलेबस में 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। है क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सबसे पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े, रैंडमली नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात आई है समझ में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। देखिए यहां मैं समझाता हूं आपको। जैसे आपके पास 2 एटम्स हैं और ये एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल्स है। ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। इस एटम के पास या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एटम, या इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो एटम ए है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करके एक स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इसकी डेफिशिएंसी को वो सेटिस्फाई करने के लिए। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कोई भी एक एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह के एटम को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा। दिस स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? डेफिनेशन आपको आएगी नहीं आपके 12th के लेवल में। आपके सामने है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब भी आप ये चैप्टर करें इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी के शुरू से ही हमें स्टार्ट करते हैं। मतलब वेट ना करें कि चैप्टर एंड होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं अभी कराऊंगा, आप भी मेरे साथ ही चले। इसमें ढील बोल नहीं दिखानी इस चैप्टर में, बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसमें ढीला नहीं रहना है। देखिए क्या डेफिनेशन है। अगर कोई सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम अपनी सराउंडिंग स्पीशीज के साथ या सराउंडिंग एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करता है तो वो जो फॉर्मूला बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे देखिए जब भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और जिस जिस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है उन सारे एटम्स और एंटिटी को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या दिखाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि यहां इस पूरे फॉर्मूला में, पूरे कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, आयरन एंड साइनाइड आयंस के बीच में। क्लियर? इसके बीच में नहीं बना है। और 99.999999% केस में आपका सेंट्रल एटम हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्यों होता है डी ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट कैरी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। पढ़ा हुआ है आपने? नहीं बड़ा होगा तो मैं बता दूंगा आपको इस चैप्टर में, क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। ये जो ब्रैकेट बनाया हमने स्क्वायर वाला, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट एवर केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन स्फीयर दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गॉट इट? ये जो एलिमेंट है या एटम विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सराउंडिंग स्पीशीज इज कॉल्ड सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम। एंड द एलिमेंट्स और आयन विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम बाय डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोलते हैं लिगेंड, LIGAND, लिगेंड। ये डेफिनेशन है, छोटी छोटी है ना। और इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटर आयन और प्राइमरी वैलेंसी। सही है? कैसे होगा कैसे नहीं होगा केवल अभी इंट्रोडक्शन है, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर, सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे हम निकालते हैं। तो क्या बताया मैंने, ये काउंटर आयन है, इसके चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए। ये तो मैंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया है, -4 होता है चार्ज,
और माइनस फोर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगाया आपने, के फोर। ये लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सेंट्रल एटम है, क्यों है सेंट्रल एटम, बिकॉज इसके पास क्या होते हैं वैलेंस डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सही बस ध्यान देख, देखिए बेटा एक टर्म आती है डबल सॉल्ट आपके सिलेबस में है और डिफरेंस पूछेगा आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट के। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कंपैरिजन है, डबल सॉल्ट हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। कोई भी टू आयनिक जो सॉल्ट है उसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। और टू ग्रेट एग्जाम्पल है आपके सामने, बोर सॉल्ट एंड एलम। इसका फॉर्मूला पर्पजली बोर्ड प्रैक्टिकल में हम पूछते हैं स्टूडेंट से, स्पेशली डमी वालों से। ये डमी वाले जो होते हैं हमें जैसे हमें पहचानना है, जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं डमी स्कूल्स में भी, एक तो वो जो रेगुलर प्रैक्टिकल करने जाते हैं, कम से कम प्रैक्टिकल करने जाते हैं, और एक वो होते हैं जो कभी कभी शक्ल दिखाते हैं। तो जब भी हम अपॉइंट होते हैं एग्जामिनर में तो जैसे हमें पहचानना है कि किस बच्चे को कैसे पता लगे किसने प्रैक्टिकल्स करें, तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बता मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपके ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल्स में मोर सॉल्ट की टाइटरेशन है। मैंने आपको लैब मैनुअल शेयर करी है, उसमें देखना आप। देखिए मोर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट फॉर्म में फेरस अमोनियम सल्फेट। तो क्या फॉर्मूला होता है, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट सिक्स एच टू। तो यहाँ टू टाइप ऑफ सॉल्ट कॉम्बाइंड फॉर्म में है, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, और सिक्स होते हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एलम में क्या होता है, एलम को हम बोलते हैं पोटाश एलम, एक और वर्ड होता है पोटाश एलम। ये होता है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24H2। अब डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। यहां क्या होता है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उससे बड़ा डिफरेंस, अगर आपने इस सॉल्ट को डिसोसिएट करा, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपने इस सॉल्ट को डिसोसिएट करा तो ये इस आयन्स में डिवाइड होता है, के प्लस एन एफ ई सी एन होल सिक्स माइनस फोर, इन आयन्स में डिवाइड होता है। लेकिन अगर आपने अगर इसको डिसोसिएट करा तो ये डिवाइड होता है आपके के प्लस में एसओ फोर माइनस टू में एन ए एल प्लस थ्री में, मतलब ये आपका कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, और ये आपका कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। अब जैसे मुझे अगर यहां एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस टू का टेस्ट लगाना है टेस्ट ट्यूब में, आपके सिलेबस में है कैटायन और एनायन का डिटेक्शन सॉल्ट एनालिसिस। अगर मुझे यहां एफ ई प्लस का टेस्ट लगाना है कैटायन एनायन में, तो ये एफ ई टू प्लस का टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, बिकॉज यहां जो एफ ई है उसने साइनाइड के साथ क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज नॉन आयोनाइजेबल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयोनाइजेबल नहीं होता है, आयन से ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये जो आपका आयरन है प्लस टू फॉर्म में, ये कॉम्बाइंड फॉर्म में है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट गिव एफई प्लस टू टेस्ट। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये आपको पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम का भी टेस्ट देगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये एफ ई प्लस टू का भी टेस्ट देगा, अमोनियम का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा। कुछ बोलेंगे सर सर तो वाटर तो बोल ही है, अब वाटर का क्या टेस्ट लिखोगे, क्लियर है। तो सबसे मेन पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डू नॉट शो कंप्लीट डिसोसिएशन। दूसरा पॉइंट, दे आर हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा पॉइंट, दे डू नॉट शो कंप्लीट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। जबकि ये क्या है, डिसोसिएट कंप्लीटली, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, एंड द एलिमेंट प्रेजेंट इन डबल सॉल्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली विद द हेल्प ऑफ कैटायन एंड एनायन एनालिसिस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया वाइवा का आपके। देखिए क्वेश्चन आता है लिगेंड्स क्या है और लिगेंड्स की कैटेगरी क्या है। डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं आपके, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। अब डेंटेड का मतलब क्या है,
डेंटेड का मतलब है उस लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके सेंट्रल एटम के साथ फॉर्म करे हैं। जैसे मैं बोलूं आपको सिंपली डेफिनेशन पर लिखे एटम्स मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नहीं आएगा, ध्यान रखना। पॉजिटिव आयन को क्या मानते हैं हम इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसके पास। तो एनी एटम और मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड। डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसने सेंट्रल एटम के साथ वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। डाइडेंटेड, जिसने सेंट्रल एटम के साथ टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ट्राइडेंटेड लिगेंड, थ्री कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, एंड सो ऑन। तो डेफिनेशन आपसे पूछेगा भी नहीं कि मोनोडेंटेड ट्राइडेंटेड क्या है, सीधा एग्जाम्पल पूछेगा आपसे, तो ध्यान से देखिए। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल एटम कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान सुनो इसको, एक एटम केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये स्पेशल है इसमें। अब जैसे आपने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास तो बहुत सारे लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। नो, रूल ये है सिंगल एटम कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल अमोनिया, लोन पेयर है अमोनिया के पास, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होता है, ये मैं और ऐड कर देता हूं। तो अमोनिया में एन के पास लोन पेयर है, तो एन क्या बनाएगा, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वाटर में ओ के पास लोन पेयर है, आप बोलोगे सर वाटर एट में ओ के पास तो टू लोन पेयर है, ये टू, तो वाटर में ऑक्सीजन को क्या करना चाहिए, टू कोऑर्डिनेट बनाना चाहिए। नहीं, चाहे कितने भी लोन पेयर हो लेकिन सिंगल एटम कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस चार्ज में ये बनाएंगे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। NH3 को अमोनिया नहीं बोलते, इस चार्ट में बोलते हैं एमिनो, कुछ स्पेशल है तो पहले ही बता रहा हूं एमिनो। वाटर को बोलते हैं एक्वा, AQUA, एक्वा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वाटर को वाटर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एक्वा। CN माइनस साइनो, CYNO, साइनो बोलते हैं, या बोलोगे साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो। CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो ये सारे के सारे आपके मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल है। डाइडेंटेट में क्या है, ऑक्सीलेट, CW- CW-, ये ऑक्सीलेट आयन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला वॉर्मला कोई नहीं पूछना है आपसे, सिंपल ये लिखा जाएगा OX, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। ऐसे लिगेंड्स जिस पर नेगेटिव चार्ज है, पीछे हम जोड़ देते हैं ओ, ऑक्साइडो, क्लोराइडो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सीलेटो, सल्फेट को क्या बन जाएगा, सल्फेटो, कार्बोनेट का क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। तो कोई भी लिगेंड जिसका चार्ज नेगेटिव है आपको पीछे ओ लगा देना है, ओ, सब में ओ लग रहा है। देखिए ये कार्बोनेट CO3-2 होता है ना, मैंने बहुत डिटेल बता दिया, ये कार्बोनेट का पूरा डिटेल है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस एंड माइनस चार्ज। तो ये क्या कर सकता है, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट कर सकता है इस फॉर्म में, इसलिए क्या है, डाइडेंटिक लिगेंड है। क्या बोलोगे, कार्बोनेटो। ऑक्सीडेट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, OX। ये सल्फेट, ये भी टू क्रिएट कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेटो। सल्फेट की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, बताना तो नहीं चल रहा था मैं आपको, क्योंकि किसी काम का है नहीं, आपके ऑलरेडी पढ़ के आगे लग गए। ये सल्फेटो है, सल्फेट। और एक होता है EN शॉर्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। अब इथाइलिन डाइअमाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को पूछता है। इथाइलिन, याद करो क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी बीच में, इथाइलिन, इथीन, कितने कार्बन होते हैं, टू कार्बन। तो आप क्या लिखोगे, ये टू कार्बन, एमाइन, एमाइन होता है आपका NH2, ये NH2 डाइअमाइन बोल रहा है, ये NH2, टू कार्बन लगाए और NH2 NH2। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं इथाइलीन, इथाइलीन डाइअमाइन। और N के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर,
तो ये इथाइलिन डायमाइन क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनाएगा। तो ये है आपके मोनोडेंटेट एंड डाइडेंटेट लिगेंड्स, सही है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं आपको बताने के लिए। ये देखो बेटा, ये इथाइलिन डायमाइन में CH2 CH2 NH2 NH2, क्लियर है। ये बढ़ते आगे, ये देखिए पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये यही एडवांस का पार्ट आपका, ये एडवांस में पूछता है फॉर्मूले, एडवांस में आपके मेंस में इसके फॉर्मूला पूछता है आपसे, क्या फॉर्मूले देखिए। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जो टू से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल सेंट्रल एटम के साथ, उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। देखिए टू मेन एग्जांपल्स हैं EDTA-3 और देखिए EDTA-4। EDTA एक इंडिकेटर होता है, और ऐड करता हूं आपकी नॉलेज में कुछ चीजें। EDTA इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर क्या काम करता है, हार्ड वाटर की हार्डनेस को चेक करने का काम आता है EDTA। जैसे 11th क्लास पढ़ी है उससे चैप्टर हाइड्रोजन, उस चैप्टर में है EDTA। तो EDTA इज अ इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू चेक हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। ये क्या करता है, हार्ड वाटर के मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को कैप्चर करके उसको सेटल डाउन करता है। चलिए बात करते हैं इसकी EDTA फॉर्मूला। देखो इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट, अब देखो एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CO-, ये है एसीटेट। अब फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन का मतलब टू कार्बन है और डायमाइन का मतलब टू NH2 है। तो सबसे पहले कार्बन, ये कार्बन, और सबसे पहले काम करिए NH2 को लगाने का, ये NH2 और ये NH2। ध्यान से इसको वैलेंस में करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए ट्राई एसीटेट, आपको 3 एसीटेट आयंस लगाने, कहां लगाने, यहां पर। तो आपको हटाना है एक एच यहां, सब ध्यान से देखना इसका जो करने वाला हूं, CH3 CO-। अगर यहां और यहां बॉन्ड बनेगा इस जगह, तो यहां से एच हटेगा, एक एच यहां से हटाना है आपको, इतना तो पता है आप। तो यहां से 3 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 2, और यहां से एच हट जाएगा और क्या लग जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा NCH2 CO-। क्यों बना, क्योंकि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों मॉलिक्यूल के 1-1 हाइड्रोजन एटम रिलीज हो जाते हैं। याद करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर याद नहीं है तो यहां सिंपल होंगे। सिमिलरली दूसरा आप लगाओगे तो क्या बन जाएगा, CH2 CO-। थर्ड लगाया क्या बन जाएगा, CH2 CO-। ये बन गया ट्राई एसीटेट। तो फॉर्मूला क्या है, CH2 CH2 NCH2 CO CH2 CO-, ये NH, ये है आपका इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट, गॉट इट। अब ये कितने डेंटेट वाला लिगेंड है, ये क्वेश्चन आया, हाउ मेनी डेंटिसिटी ऑफ दिस लिगेंड। तो आप बोलोगे सर 1, 2 और 3, और कई लोग तो ट्राई एसीटेट, सर ट्राई डेंटेट है सर, इसकी डेंटिसिटी 3 है सर, और घर आके बड़े खुश, मजा आ गया, एक तो क्वेश्चन अच्छा हुआ जेई का कम से कम। यहां भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 1 2 3 4 5, ये है आपका पेंटा डेंटेट लिगेंड, ये पेंटा डेंटेट है। बात करें टेट्रा की, तो टेट्रा में कुछ करना नहीं है, ये कौन हटा दो यहां से, क्या बन जाएगा CH2 CO-। अब कौन सा डेंटेट हो गया, ये अब हो गया ये हेक्सा डेंटेट लिगेंड, सही है। तो आपसे क्या करता है वो, बोर्ड एग्जाम में या जेई मेंस के एग्जाम में फॉर्मूला लिख के देगा और आपको बोलेगा इसकी डेंटिसिटी क्या है, या आपको नेम दे देगा, आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला EDTA-3 का है, कौन सा फॉर्मूला EDTA-4 का है, सही है। ये देखिए ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ये सब प्रिपरेशन के एग्जाम्पल से मिटाइए, एनसीईआरटी में नहीं है सारे एग्जाम्पल्स आपके, ये सब प्रिपरेशन के हैं। तो ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, अब ट्राई इथाइलिन 3 टाइम्स लिखो CH2 CH2, ये चाहो तो आप NH2 भी, चलिए ये 1 मॉलिक्यूल, सही है, इथाइलिन डायमाइन का 1 मॉलिक्यूल। अगेन
इथाइलीन डाइअमाइन का सेकेंड मॉलिक्यूल, अगेन इथाइलीन डाइअमाइन का थर्ड मॉलिक्यूल। अब देखो ट्राई इथाइलीन टेट्राअमाइन, अमाइन कितने, टेट्रा मतलब फोर रखने हैं आपको, तो इन सबको जोड़ना है आपको, एड करना है, ये ट्राई इथाइलीन वन टू और ये थ्री, ट्राई इथाइलीन टेट्राअमाइन फोर रखने, तो करना क्या है यहां से इसको कॉम्बाइन करना है और यहां से निकालना है NH3 अमोनिया, यहां से कॉम्बाइन करना है और यहां से निकालना है NH3 अमोनिया, गॉट इट। ये घर से ट्राई करना है डाइथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन इसी फॉर्म में बनेगा। अब देखो क्या बनेगा, समझो इसको, ये बनेगा NH2 CH2 CH2। अब देखो NH3 निकला तो क्या बचा यहां, NH N और H, यहां क्या हुआ CH2 CH2, अगेन NH, यहां CH2 CH2 और ये NH3, ये बन गया ट्राई इथाइलीन एंड टेट्रा अमाइन। अब बताइए इसकी डेंटिसिटी क्या है, व्हाट इज द डेंटिसिटी, डेंटिसिटी है 4। तो ये कौन सा डेंटेट लिगेंड है, ये है आपका टेट्रा डेंटेट लिगेंड, क्लियर। तो थोड़ी सी ऑर्गेनिक और थोड़ी सी आपकी केमिकल बॉन्डिंग वाली नॉलेज और थोड़ी सी आपकी स्मार्टनेस इजीली क्रिएट कर सकती है फॉर्मूला, एक डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन अपने आप बनाना, सेम इसी पैटर्न में बनेगा। देखिए आज का लास्ट टॉपिक है आपका एम्बीडेंट लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जो अपनी टू डिफरेंट डोनर साइट्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। भाई बॉन्ड तो एक ही बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन वो अपने अलग अलग एटम्स का यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, सही है, बहुत सिंपल है। देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है, डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं होगा चैप्टर में, डेफिनेशन में रट्टा लगेगी आपको ना समझ में आएगी, एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे सब चीजें। जैसे हमने बोला ये मेटल आयन है और ये CN-, टू टाइप के होते हैं, वो बोलते हैं साइनाइड और एक बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अगर CN- का कार्बन बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट तो इसको हम बोलते हैं साइनो या बोल दो साइनाइडो, और अगर N के थ्रू बॉन्ड बना तो आप क्या बोलते हो, आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो होता है ना। ये कई बार केमिकल्स में ऐसे लिखा आता है, जैसे मैंने लिखा CH3 CN, और कई बार 12th में ऐसा भी आगे लिखा हुआ ये NC। ये जब मैं 11th में आया तो मैं पूरे 2 महीने परेशान रहा, 2-3 महीने इन चीजों की वजह से कि NC क्यों लिखा है, CN क्यों लिखा है, कई बार आता था लिखा हुआ आइसोसाइनाइड, कई बार आता था साइनाइड, क्योंकि उस समय ट्यूशन वगैरह नहीं होती थी उस समय, तो उस समय बस आपको खुद को लड़ाई लड़नी थी, आप खुद ही बुक पढ़िए, खुद ही अपना काम निकालिए, आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो और ही बढ़िया वाला काम था उस समय। तो अगर सीरे बॉन्ड बनाए तो हम क्या बोलते हैं, मिथाइल साइनाइड, एन बॉन्ड बनाएगा तो हम क्या बोलेंगे, मिथाइल आइसो साइनाइड, वही केस यहां पर है। तो CN का अगर सी बॉन्ड बनाएगा तो साइनो, एन बॉन्ड बनाएगा आइसो साइनो, तो एक ही लिगेंड के टू डिफरेंट एटम्स क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इस कैटेगरी के लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है ये CN वाला। नंबर टू SCN, SCN बोलते हैं थायोसाइनेट। तो अगर S के थ्रू बॉन्ड बनाया तो आप क्या बोलोगे, थायोसाइनेटो, N के थ्रू बॉन्ड बनाया आइसो थायोसाइनेटो। एक और NO2 होता है, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट, NITRITE नाइट्राइट, लिख देता हूं मैं, कई लोगों को दिक्कत होती है समझ में, नाइट्राइट। अगर N के थ्रू बॉन्ड बनाया NO2- में तो आप क्या लिखोगे, नाइट्राइटो N। अगर O के थ्रू बॉन्ड बनाया तो आप क्या लिखोगे, नाइट्राइटो O। NO2 में N के थ्रू बॉन्ड बनेगा नाइट्राइटो N, और O के थ्रू बनेगा नाइट्राइटो O। तो ये आपके हैं एम्बीडेंट लिगेंड, ये 3 कैटेगरीज ध्यान रखना, 3 एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर के साथ साथ अटेंटिव होके लेक्चर्स को देखना, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर NCERT में हो तो कर देना, वैसे होंगे नहीं
मैंने आपको सारा कवर अप कर दिया है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।